दोस्तों आज की इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट कैसे करें फ़ोन पे में। ओके, यानी फ्लिपकार्ट पे लेटर यूज़ करके हम फ़ोन पे में भी उसको यूज़ कैसे करें, फ्लिपकार्ट पे लेटर का जो भी बैलेंस हमें जो लिमिट मिली है उसे हम अपने फ़ोन पे अकाउंट में कैसे यूज़ करें, ये आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी कुछ बातें बता रहा हूँ वो आपको स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंपॉर्टेंस होती है और आप यदि स्किप कर करके देखते हो तो आपका वो इंपॉर्टेंट पार्ट मिस हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ, आपको वीडियो देखना है स्टार्ट से लेकर आखिर तक विदाउट स्किप के। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पवार और आप देख रहे हैं टुडेज नॉलेज डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हो, और आज मैं आप लोगों को फ्लिपकार्ट पे लेटर को फ़ोन पे में इनेबल कैसे करें और उसको फ़ोन पे से यूज़ कैसे करें इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश कर दूँ, अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटों वाला बटन दिखाई देगा उसे भी दबा दे। तो दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करूँगा, ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, सीधा टॉपिक पे आता हूँ। तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे फोन पे एप्लीकेशन मेरे सामने ओपन है और उसको मैंने आप लोगों के सामने भी ओपन कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे फोन पे एप्लीकेशन को मैंने ओपन करके आप लोगों को यहाँ पे फोन पे में फ्लिपकार्ट पे लेटर को इनेबल कैसे करना है वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा माई मनी वाला। तो दोस्तों मैं थोड़ा पाउच करके यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट फ़ोन पे के अंदर आ चुका हूँ फ्लिपकार्ट पे। तो आप लोगों ने फ्लिपकार्ट पे लेटर ऑप्शन को कैसे इनेबल करना है उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी। आप चाहे तो उस वीडियो को देख के फ्लिपकार्ट पे लेटर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आपको नीचे आना है माई मनी वाले ऑप्शन पे। जैसे आप माई मनी वाले ऑप्शन को क्लिक करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे साइट में फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे कि आप UPI डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड उसी के साथ साथ आपको पेमेंट मेथड्स में फ्लिपकार्ट पे लेटर दिखता है। मीन्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा एक ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिससे आप अपना कोई भी बिल या कोई भी अपना रिचार्ज कोई ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर को यूज़ करके कर सकते हो। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, फ्लिपकार्ट पे लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को सारा कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि ये ओपन होता है तब तक मैं आप लोगों को बता दूं, फ्लिपकार्ट पे लेटर को आप फ्लिपकार्ट में जैसे एक्टिवेट करवाते हो तो उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है, तो आप लोगों को उसको ये कर लेना। तो दोस्तों इसका मैं एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैंने इसका स्नैपशॉट ले लिया। आप देख सकते हो यहाँ पर इसका बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेक वन क्लिक पेमेंट। ओके, आपको एक क्लिक में आपका पेमेंट यहाँ पर हो जाएगा। बाय नाउ एंड पे लेटर इन्जॉय अप टू 40 डेज ऑफ क्रेडिट विथ एक्स्ट्रा नोक, यानी आपको कोई एक्स्ट्रा कास्ट की ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा चार्जेस की ज़रूरत नहीं, 40 दिन तक आप इसको विदाउट एनी चार्जेस यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल परचेस सिंगल बिल, आप इसमें ज़्यादा परचेस और एक सिंगल बिल पे करके ये कर सकते हो। इसमें सारी कुछ जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारी कुछ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था, यानी प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, लिंक नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है और लिंक कर लेना है। और आप देख सकते हो यहाँ पर लिंक नाउ वाले ऑप्शन को मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर ये लिंक हो रहा है। तो दोस्तों थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, क्योंकि मैं मेरे रूम पे हूँ और मेरे रूम पे थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा इसे पॉज कर लेता हूँ जब तक ये लोड होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट पे लेटर की तरफ से एक OTP आई और OTP ऑटोमेटिक एंटर हो चुके हैं, और इस OTP के अभी भी मैं एंटर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपका फ्लिपकार्ट का और फ़ोनपे का दोनों का नंबर सेम होना चाहिए, तभी ये यहाँ पे आप लोगों का रजिस्टर होगा यानी लिंक होगा। जब तक आपका ये एक ही नंबर पर अलग अलग नंबर पर रहता है तो ये नहीं होगा, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि आप लोगों का दोनों नंबर यानी फ्लिपकार्ट का और ये, आप देख सकते हो यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस अभी 3500 दिखा रहा है, इससे मैंने ऑलरेडी 1500 की शॉपिंग कर चुका हूँ इस ऑटोमेटिकली फ्लिप। ओके, यहाँ पे ये इसको आप अभी चाहे तो इनेबल रखो या पे अनइनेबल रखो, और आपको इसको आपको अनलिंक करना है तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रहा है उसको क्लिक करके आप अनलिंक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ऑप्शन, हम एक रिचार्ज के प्रोसेस को क्लिक करते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे अब हम एक रिचार्ज इनिशिएट करेंगे। आप देख सकते हो मोबाइल रिचार्ज वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं मेरा एक नंबर एंटर कर देता हूँ। थोड़ा हाइड रखा हूँ क्योंकि डिटेल्स आप लोगों को मैं इसलिए छिपा के रखा हूँ क्योंकि यहाँ पे इस ऑप्शन को मैं पूरा इसलिए हाइड रखा हूँ क्योंकि मेरा नंबर से, तो मैं आप लोगों के सामने थोड़ा इसको पॉज कर देता हूँ और नंबर डाल देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो ऊपर मेरा मोबाइल नंबर है वो किसका है। अभी मैं यहाँ पे प्लान पे क्लिक करूँगा, 100 रुपये में जस्ट यहाँ पे डाल रहा हूँ और आप नीचे यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक गिफ्ट वाउचर जो हमारी एयरटेल फ्रीचार्ज जो भी यहाँ पे वॉलेट लिंक है वो उसका डिटेल है और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो फ्लिपकार्ट पे लेटर ऑटोमेटिकली क्लिक है। ओके, तो यानी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू आप यहाँ पे बिल पेमेंट और आपका जो भी कोई एक्टिविटी है आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो टॉपिक में क्लियर करना चाहता था वो क्लियर हो चुका है। और अभी मैं आप लोगों को बैक आके दिखाता हूँ क्योंकि मैं ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 100 रुपये का रिचार्ज नहीं करना है। तो दोस्तों आप लोगों को यदि फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट करना है तो आप फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पे जाओ, वहाँ पे आप लोगों को एक्टिवेट करने का ऑप्शन दिखाई देता है। और उससे रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो वीडियो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे दे दिए, आप चाहे तो उस वीडियो को क्लिक करके यानी उस वीडियो को देख सकते हो और उस पर मैंने आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझाया कि फ्लिपकार्ट पे लेटर वाले ऑप्शन को कैसे इनेबल करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे।